गाइज वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आई एम स्नेहा, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज मैं आप लोगों के लिए वेट लॉस रेसिपी लेके आई हूँ। अगर जो लोग वेट लॉस करना चाह रहे हैं तो ये रेसिपी उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है और बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, तो ज़रूर अपने घर में ट्राई कीजिए इस रेसिपी को। तो यहाँ पर मैंने ले लिए मूँग दाल छिलका, जो हरा मूँग दाल छिलके वाली आती है वो आप दाल ले लीजिए और उसको अच्छे से वॉश करके सोख करने के लिए 1 से 2 घंटे के लिए आप रख दीजिए। 2 घंटे में ये दाल जल्दी से अच्छे से सोख मतलब भीग जाती है, फूल जाती है। यहाँ पे दाल हो चुकी है मेरी। अब इसको एक मिक्सर ग्राइंडर की हेल्प से हम लोग यहाँ पे इसको पीस लेंगे, यानी इसका एक पेस्ट बना लेंगे। आपको बहुत पतला नहीं करना है, आपको बहुत ज़्यादा मोटा नहीं करना है, आपको मीडियम एवरेज रखना है, ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला। आपको लगे तो थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा पेस्ट ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, यू कैन सी। एंड इसमें 1 चम्मच मैं यहाँ पे सॉल्ट मिलाऊंगी टेस्ट के लिए। आपको जो भी जितना भी आपको चाहिए नमक कम या ज़्यादा आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक स्पैचुला से हम लोग अच्छे से उसको मिक्स कर लेंगे। आप देख रहे हो मेरा पेस्ट कितना ज़्यादा ना पतला है ना ज़्यादा मोटा है, एवरेज है। इस तरीके से आपको पेस्ट बनाना है और इसको 5-5 घंटे के लिए आप ढक के रख दीजिए। रेस्ट करने के लिए आप उसको ढक के रख दीजिए। फिर यहाँ पे मैंने बहुत सारी वेजिटेबल्स ले ली। आपके पास जो भी घर में वेजिटेबल्स हो, आपको जो भी वेजिटेबल्स पसंद हो आप वो ले सकते हो। मुझे यही वेजिटेबल्स चाहिए थी, तो जैसे कि कैरेट, अनियन यानी गाजर, प्याज, चुकंदर एंड कैप्सिकम। आप चाहे तो इसमें और भी सब्जियाँ ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर फिर मैंने ले लिया है एक पैन, उसको लो फ्लेम पे रख देंगे। और यहाँ पे मैं घी ले रही हूँ, घी अप्लाई कर रही हूँ। पूरे तवे पे आपको घी अप्लाई कर देना है। आपके पास ऑयल हो ऑयल भी आप लगा सकते हो, बट मुझे घी चाहिए था तो मैं घी लगा रही हूँ। घी पूरे तवे पे अप्लाई कर लेंगे। फिर जो मैंने बैटर बना के रखा था वो अप्लाई करेंगे उस पर एक स्पैचुला से, और उसको हल्के हल्के हाथों से आपको पूरा एक डोसे की तरीके सर्कुलर मोशन में ऐसे गोल गोल आपको डोसे की तरह बना लेना है। ये मूंग दाल डोसा है, लोग चीला भी कह सकते हैं, बट मूंग दाल डोसा मैं बना रही हूँ और बहुत हेल्दी है, बहुत हेल्पफुल है। ये वेट लॉस में काफ़ी अच्छा है, अगर जो लोग वेट लॉस करना चाह रहे हैं तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल रेसिपी है। फिर यहाँ पे मैं थोड़ा सा घी लगाऊंगी। आप अपने अकॉर्डिंग, अगर आपको ज़्यादा चाहिए ऑयल या घी आप अपने अकॉर्डिंग ज़्यादा भी ले सकते हो। वैसे इतनी नीड नहीं होती है, ये नॉर्मली कम ऑयल में और कम घी में भी बन जाता है, तो ज़्यादा नीड नहीं है तो नहीं लगाइए। आपको बहुत ऑलरेडी बहुत क्रंची और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो फिर उसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ शेजवान चटनी, थोड़ा सा ही लूँगी, ज़्यादा नहीं। आपको नहीं अगर पसंद है तो आप अवॉइड भी कर सकते हो, स्किप भी कर सकते हो। तो मैंने थोड़ा सा ही लिया था, बस थोड़ा सा टेस्ट के लिए, ताकि थोड़ा सा तीखापन उसमें आ जाए। फिर मैं यहाँ पे ले रही हूँ शेजवान चिली गार्लिक। मुझे गार्लिक का टेस्ट पर्सनली बहुत पसंद है, तो मैंने इसको भी 1/2 ही चम्मच अप्लाई किया है, ज़्यादा नहीं लिया है, क्योंकि मैंने ग्रीन चिली नहीं डाली है, बिकॉज मुझे थोड़ा सा ग्रीन चिली नहीं चाहिए था। तो मैंने चटनी सॉसर यूज़ किया है। आपको अगर ग्रीन चिली डालनी है, ग्रीन चटनी भी लगानी है, तो आप वो भी लगा सकते हो। तो यहाँ पर फिर मैंने थोड़े मैश किए हुए आलू यहाँ पर लगाऊँगी, मतलब मैं अप्लाई करूँगी पूरे आपको बैटर पे, पूरे डोसे के जो बैटर मैंने पूरा अप्लाई किया उस पर आपको पूरा आलू 1 by 1 करके आपको अप्लाई कर देना है, पूरा फैला देना है। फिर यहाँ पे मैं 1 by 1 करके वेजिटेबल्स डालूंगी, जैसे कि चुकंदर है, आप पूरा स्प्रेड कर लीजिए, पूरा फैला लीजिए। चुकंदर भी बहुत हेल्पफुल हमारी स्किन के लिए, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। फिर मैं अनियन डाल रही हूँ, चॉप्ड किया हुआ अनियन, आपको पतला पतला सब काटना है, ग्रेट करना है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा गाजर डाल रही हूँ, ये भी बहुत ज़्यादा हेल्दी है, और ऊपर से कैप्सिकम। और इसको एक स्पैचुला से हम लोग अच्छे से प्रेस कर लेंगे और दबा लेंगे, मतलब उसको अच्छे से फैला लेंगे ताकि वो गिरे नहीं, और इसको लो फ्लेम पर अच्छे से पकने देंगे।
मैं यहाँ पे थोड़ा सा चुटकी गरम मसाला भी डाल रही हूँ, और टेस्ट के लिए अगर आपको और मसाला कोई दूसरा डालना है तो आप डाल सकते हो, या गरम मसाला भी हो तो आप डाल सकते हो, बहुत टेस्टी लगता है। हल्का सा थोड़ा सा टेस्ट के लिए आप डाल सकते हो, ज़्यादा नहीं डालना है। और फिर यहाँ पे मैं एक स्पैचुला से दोनों साइड आपको सेकना है, आपको उधर साइड भी सेकना है ताकि उधर का जो कच्चेपन वेजिटेबल्स भी है वो अच्छे से पक जाए। फिर यहाँ पे मैं थोड़ा सा घी अप्लाई करूँगी ताकि जो मेरी वेजिटेबल्स हैं वो अच्छे से पक जाए और जो डोसे का जो अंदर का बैटर है वो उसमें कच्चापन ना रह जाए। तो दोनों साइड आपको गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। और यहाँ पे मेरा डोसा हो गया है रेडी, सर्व करेंगे किसी भी हरी चटनी के साथ, या फिर आप कोकोनट चटनी भी खा सकते हो सॉस के साथ, वॉट एवर यू लाइक, जो भी आपको पसंद हो आप वो ले सकते हो। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए ताकि ये वीडियो उन लोगों के लिए हेल्पफुल हो सके। ओके, बाय बाय।